नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत सिंह, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमने पहले भाग एक पढ़ा था, उसमें भारत के राज्य और उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे भाग दो, नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग दो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के में बताया गया है नागरिकता के बारे में। देखिए, हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना 1,000 सब्सक्राइबर बनाने का टारगेट पूरा कर पाएँ और भी फैकल्टीज़ को हायर कर पाए, ताकि जो आपको अच्छे से पढ़ा पाए। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो फिर हम शुरू करते हैं, आप उससे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले नागरिकता। नागरिकता हमारे संविधान में भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दी हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता ग्रहण के किन जो उन ऑप्शन में से किन के द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। डोमेसाइल एंड डिसेंट, डोमेसाइल डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन, डोमेसाइल डिसेंट रजिस्ट्रेशन एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी, और नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी कंडीशन होती है तो भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में इसका आंसर मिलेगा आपको। सबसे पहले सिटीजनशिप होती क्या है। सिटीजनशिप मतलब फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट्स, मतलब भारतीय संविधान का फुली मेंबर जो है, भारतीय स्टेट का जो फुल मेंबर है और जिसके जो भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान है, मतलब ओ एलियंस निष्ठावान है। दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उनको सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रदान किए गए हैं, ठीक है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार जिसे बोलते हैं, ठीक है। जो भारतीय नागरिक कौन है, जो एक तो फुल मेंबर है इंडियन सिटीजनशिप इंडियन स्टेट्स का, दूसरा वो भारतीय संविधान और भारत के प्रति निष्ठावान है, तीसरा उस जिसको पूरे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑन द सिटीजनशिप सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, जो नीचे दिए हुए हैं ये राइट्स इंडिया के सिटीजन को मिलते हैं। पहला आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के अंतर्गत कौन सा राइट है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये मेरे अभी इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें एक में रेस हटा दिया था, तो उसमें रेस है, ध्यान रखना। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरा आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, मतलब बोलने का स्वतंत्रता, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, असेंबल इकट्ठे होने की, एसोसिएशन बनाने की, मूवमेंट करने की, कोई भी रहने की, और प्रोफेशन कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। 29-20 आर्टिकल, अनुच्छेद 29-20 में क्या दे रखा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटी के और बाकी जो भी कल्चरल राइट है उनको सिक्योर करने के लिए ये आर्टिकल 29 और 30 है। वोट टू राइट दिया जा गया है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब राज्य विधानसभा में। राइट टू कंटेस्ट, मतलब कोई भी पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है, कोई इसको बाहर नहीं निकाल सकते, सबको अधिकार है। और ये जो जो नागरिक होते हैं वो कुछ ऑफिस होल्ड करने का उनको एक प्रिविलेज होता है, मतलब वो उन्हीं के पास अधिकार है, जैसे प्रेसिडेंट बनने का, वाइस प्रेसिडेंट बनने का, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर बन सकते हैं कोई भी स्टेट के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जो भारतीय नागरिक है वही बन सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता ये सब, ठीक है। तो ये राइट्स है इन भारतीय नागरिकों के, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये आर्टिकल 5 से 11 में बताया हुआ है, कौन से भाग में, दो में, ठीक है। अब क्या है, ये क्या करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो कोई भी सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर पे लॉ बना सकती है। तो बस पार्लियामेंट को बना दिया, पार्लियामेंट ने क्या किया, उन सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक एक्ट पास किया जिसमें बताया गया कि कौन सिटीजन रहेगा, कैसे इक्वायर की जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है। तो उस समय उन्होंने क्या करा, अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चार तरह के लोग जो भारतीय नागरिकता ले सकते हैं 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसमें चार तरह के लोग, जैसे तो ये देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे आप एक बार आँख से निकाल लीजिएगा।
कि जो भारत में जन्मा हो, किसी के पेरेंट भारत में जन्मे हो, ठीक है, और या फिर वहाँ रहते हो, तो वो जैसे जब भी चुनाव, मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है उससे जस्ट 5 साल पहले लगातार वो रह रहे होगा, तो वो भारतीय नागरिक हो जाएगा। माइग्रेट हुआ है जो पाकिस्तान से इंडिया में, और उसके ग्रैंड पेरेंट हुए हैं, तो और मतलब 19 जुलाई 1948 के पहले वो माइग्रेट हुए हैं, तो वो भी सिटीजन, और 6 महीने लगातार रहे हो पहले ना, से जब एप्लीकेशन देते हैं, तो वो भी इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। ऐसे करके ढंग से डिटेल में देखिएगा जिनको, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आँख से निकालिएगा बस। एक है जो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान चले गए हो फिर वापस आए हो, तो वो भी, और फिर वो 6 महीने तक जब एप्लीकेशन देते हैं उससे 6 महीने पहले यहाँ रह रहे हो लगातार, वो भी हो सकता है। एक वो है कि भाई जिनके ग्रैंड पेरेंट पेरेंट यहाँ रह रहे हो, बच्चे बाहर पैदा हुए बाहर ही रह रहे हो, लेकिन उनके जो पेरेंट्स ने बच्चों को रजिस्टर करा दिया हो कहाँ पे, भारतीय कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे डिप्लोमेटिक है, काउंसलर है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, तो वो, और फिर वहाँ रजिस्टर हो रहे हो, तो वो सिटी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो ये 4 तरह के नियम है, देख लीजिए। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये क्यों लाया गया, इसमें क्या है, ये इन्होंने कुछ नियम बनाए कि एक्विजिशन ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कैसे नागरिकता ग्रहण की जा सकती है और कैसे त्यागी जा सकती है, तो ये नियम सिटीजनशिप 1955 में है, ठीक है। अब 1955 में कुछ एक अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उस पर क्या किया था कि जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही थी वो उसको हटा दिया गया था, ठीक है, तो अपन यहाँ कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप नहीं देते। अब देखिए कैसे कैसे एक्विजिशन हो सकता है 1955 के अंतर्गत, बाय बर्थ बाय डिसेंट, मतलब यहाँ पैदा हुए हो यहाँ, मतलब जब फादर मदर यहाँ के हैं तो डिसेंट, यहाँ डिसेंट हुआ मतलब उसका बच्चा भी होगा, वो भी भारतीय नागरिक होगा, रजिस्ट्रेशन कराया हो, नेचुरलाइजेशन हुआ, बहुत साल से यहाँ रह रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन मतलब नई टाइटल ले लियो अपन ने, जैसे बांग्लादेश को इंडिया में ला लिया हो, अगर मान लो जैसे सिक्किम वाले, हाँ इसका एग्जाम्पल है, सिक्किम, सिक्किम पहले अलग से राज्य था, अलग से देश था, फिर इंडिया में आ गया, तो इनकी सारी जो नागरिक है वो भी इंडियन हो गए, ठीक है। और स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड के अंतर्गत जो भी स्पेशल प्रोविजन है उसके अंतर्गत भी यहाँ पे सिटीजनशिप मिल सकती है, एक्विजिशन किया जा सकता है। याद रखिएगा 6 तरह के हैं, बाय बर्थ या डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो स्पेशल प्रोविजन बनाया है उसके अकॉर्डिंग, समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे नागरिकता ग्रहण की जा सकती है वैसे छोड़ी भी जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, रिनिशिएशन, रिनिशिएशन मतलब अनाउंस करता है, रिअनाउंस करता है, रिअनाउंस मतलब वापस खुद के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि मैं सिटीजन नहीं रहना चाहता, टर्मिनेट किया गया हो, कुछ भी उल्टे काम किए हो, ऐसे गलत तरीके से नागरिकता ली हो, तो या फिर किसी और की नागरिकता ले ली हो, दोस्त दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, तो भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, ये ध्यान रखने का। तीसरी है डिप्रिवेशन, डिप्रिवेशन मतलब उसको हटा दिया जाता है, नागरिक भारत के नागरिक बनने से रोक दिया जाता है, जैसे किसी ने फ्रॉड से सिटीजनशिप ली है तो वो डिप्राइव कर दिया गया जाएगा, अगर पता चल गया तो, किसी ने डिसलॉयल्टी शो की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ के संबंध में, तो उसको उसको भी उससे भी नागरिकता छीनी जा सकती है। कोई भी अनलॉफुल ट्रेड में या कम्युनिकेशन में विथ एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, मतलब कोई भी अनलॉफुल अपने मतलब दुश्मन से मिल जाए तो उसकी भी नागरिकता छीनी जा सकती है। विद 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन हैज बिन इन प्रिजन, मतलब अगर कोई मतलब नेचुरलाइजेशन से या रजिस्ट्रेशन से किसी ने सिटीजनशिप ली है और वो उसी सिटीजनशिप लेने के 5 साल के अंदर ही 2 साल की जेल ले ले कोई कांड कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी भी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। और कोई भारतीय नागरिक है भाई, वो वापस आ ही नहीं रहा, 7 साल वहीं रह रहा है, आया नहीं एक बार भी, तो वो उसकी भी नागरिकता चली जाती है, मतलब दूसरे देश चला गया तो। अब इंडिया में प्रोविजन क्या है, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ आप 2 तरह की दो सिटीजनशिप नहीं ले सकते, जैसे आप अगर भारत के नागरिक हो तो आप अमेरिका के नागरिक नहीं हो सकते, अमेरिका के नागरिक हो तो भारत के नागरिक नहीं हो सकते, ऐसा है भारत में, दो जगह की सिटीजनशिप नहीं ले सकते आप तो। और दूसरा अमेरिका में क्या होता है बताया, जैसे वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वहाँ नागरिकता आप स्टेट के भी नागरिक होते हो और यूएसए के भी नागरिक होते हो, इंडिया में ऐसा नहीं है, मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान का अलग नागरिक और इंडिया का नागरिक नहीं रहूँगा, मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ जाके, तो यहाँ पे अपन एज ए सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल एंड इन विच एज अ ड्यूल पॉलिटी, इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिटीजन सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप, समझे आप, माना कि अपना जो संविधान है वो राज्य में अलग है, स्टेट सेंटर में अलग है, अपन एक फेडरल की तरह काम करते हैं, लेकिन हमारे जब
नागरिकता होगी वह सिंगल नागरिकता होगी, ठीक है, एकल नागरिकता जिसे बोलते हैं। द सिटीजन इन इंडिया ऑफ एलिजेंस ओनली टू द इंडियन यूनियन, देर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, स्टेट सिटीजनशिप नहीं है सेपरेटली अपने यहाँ। USA में होती है, स्विट्जरलैंड में होती है, लेकिन अपने यहाँ नहीं होती है, वहाँ डबल सिटीजनशिप काम करता है। तो ये था अपना सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आँख से निकाल लीजिए, क्वेश्चन आते हैं UPSC में, स्टेट PCS में, तो आप ढंग से पढ़िएगा इसको, कैसे नागरिकता ग्रहण की जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, कौन से आर्टिकल से कौन सा भाग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। अगर ऐसे ही आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर बनाए, ताकि हम और भी टीचर हायर कर पाए और भी सब्जेक्ट में आ पाए। हम लोग सोच रहे करंट, कल्चर, हिस्ट्री और ये भी पढ़ाना स्टार्ट करें। इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिएगा, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर और बढ़ाइए, ताकि हम लोग आगे और भी बढ़ पाए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।